चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। कालेराम मांझी जिंदाबाद, कालेराम मांझी जिंदाबाद। कैलाश कुलेसिका जिंदाबाद, कैलाश कुलेसिका जिंदाबाद। जय जगन्नाथ। माँ मतमूला मतलुमा माता की, माँ मतलुमा माता की। समस्तंकु जोहार। आज लक्ष्मीपुर की इस पावन धरती में, आज के इस विशाल विजय संकल्प शंखनाद रैली में, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन जल संसाधन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, रायपुर के हमारे विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, कोरापुट लोकसभा चुनाव के प्रभारी श्री गोविंद जैन जी, कोरापुट जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री सुमन प्रधान जी, कोरापुट लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कालेराम मांझी जी, लक्ष्मीपुर विधानसभा के हमारे विधायक के प्रत्याशी श्री कैलाश कुलेसिका जी, लक्ष्मीपुर विधानसभा के प्रभारी श्री देवेंद्र मांझी जी, विधानसभा के संयोजक श्री अगस्ती हलवा जी, श्री उदाया हिकाका जी, श्री अनंत हिकाका जी, श्री भुवन जानी जी, श्री सीताराम केंद्रुका जी, श्री नकुला बिसोई जी, श्री भागबहार मुदुली जी, श्री गणेश बेहरा जी, श्रीमती सुवाई कुलेसिका जी, श्री देव खरा जी, और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। और आज के इस चुनावी सभा में सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले तो विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे। डेढ़ दो घंटा आने में हम लोगों को देरी हो गई, मौसम विभाग अनुमति दे ही नहीं रहा था, लेकिन हम लोग जगन्नाथ स्वामी पर सब कुछ छोड़ के रिस्क लेके आप लोगों के बीच में यहां पर आए हैं। बंधुओं यही निवेदन करने आए हैं कि अभी का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको 10 साल आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में उनका कामकाज देख चुके हैं, उनको फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है ना प्रधानमंत्री, तो दोनों हाथ उठाइए। देखिए, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा हैं, और जो पूरे देश को 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए रात और दिन काम करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं और पूरे देश के सुख दुख की चिंता करते हैं, जिनके कारण पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है,
ऐसे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब लोग देखे होंगे पिछले 10 साल में गरीबों के लिए खूब काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। गरीबों को पक्का मकान देने का काम, शौचालय निर्माण का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, बैंक में खाता खोलने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब गरीबों के लिए 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने काम किया। आज राम मंदिर का निर्माण भी उनके कारण आज संभव हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया, तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये विधानसभा का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। कहे कि यहां इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। 24-25 साल हो गया यहां बीजेडी का सरकार चलते हुए, लेकिन इतना उड़ीसा खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहां की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, लेकिन यहां के गरीबों का जो भला होना चाहिए वो 25 साल में भला नहीं हुआ है, तो इस सरकार को भी बदलना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा। केंद्र में तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, उड़ीसा में प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो केंद्र का जो भी योजना है वो सब ठीक से लागू होगा। पिछले समय नवीन पटनायक की सरकार यहां मोदी जी के योजना को ठीक से लागू नहीं किया है, और डबल इंजन की सरकार होने से फायदा होता है। ये सब छत्तीसगढ़ में हम लोग देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस के हाथ में चला गया, तो पूरा विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। अभी फिर सरकार में आए हैं, 4 महीना ही हुआ है, लेकिन ये 4 महीना में ही डबल इंजन की सरकार के कारण बहुत विकास हुआ है। किसानों को 50,000 करोड़ से ज्यादा हम लोग पैसा दे चुके हैं। 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 3100 रुपये में धान खरीद रहे हैं। 2 साल का उनको बोनस दिए हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को वहां महतारी बंधन योजना में 3 महीना का सबके खाता में 1,000 रुपया देने का काम करते हैं। तो डबल इंजन की सरकार रहने से ये सब फायदा होता है। इसलिए मौसम भी खराब हो रहा है, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप बाकी आप सब लोग जानते हैं। यहाँ कोरापुट लोकसभा से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कालेराम मांझी जी हैं, और विधानसभा लक्ष्मीपुर के हमारे प्रत्याशी श्री कैलाश कुलेसिका जी हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद आने वाला 13 तारीख को, 13 मई को दोनों हमारे प्रत्याशी को मिलेगा ना? मिलेगा ना? हाँ, वही आग्रह करने आप लोगों से आए हैं। और एक चीज हम ये भी बता देते हैं कि हम आदिवासी समाज से हैं। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ये काम कर सकते हैं। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति, आज वहां कौन बैठी है? कौन बैठी है? आपके उड़ीसा के हमारे आदिवासी समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ा है कि नहीं? बढ़ा है ना? हाँ, तो आप लोगों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस बार लोकसभा और विधानसभा में दोनों में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। आज आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी किए, और आपके उड़ीसा के ही सांसद जुएल उरांव जी उसके पहले मतलब मंत्री थे भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के, और दोबारा भी बने। और आज अर्जुन मुंडा जी झारखंड से जो हैं वो उसके मंत्री हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आदिवासियों का वास्तव में विकास की चिंता करने वाला और मान सम्मान देने वाला भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आप सबसे आग्रह होगा कि आने वाला 13 तारीख को आप सभी लोगों का आशीर्वाद
हमारे दोनों प्रत्याशी को कमल छाप में बटन दबा के आप लोगों का बहुमूल्य वोट मिले, यही हम आपके पड़ोसी राज्य से निवेदन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उड़ीसा।